नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल जब इंटीरियर्स पे। आज हम आए हैं वीडियो बनाने में भैरू जी का मंदिर, जो रिकस कस्बे में है, जो सीकर जिले में पड़ता है। और इस मंदिर की जो मान्यताएं हैं और जो जानकारी है वो इस वीडियो के थ्रू आज हम आपको देने वाले हैं। और लोकेशन में आपको बताऊँ तो ये आपको जयपुर सीकर जो हाईवे है, हाईवे से जस्ट इधर लेफ्ट साइड में पड़ता है ये अंडरपास से, इसका सीधा रास्ता है दरवाजे का। दोस्तों, मंदिर पे हम पहुंच चुके हैं और मंदिर का जो मेन द्वार है वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ प्रतिवर्ष जो भाद्रपद का शुक्ल पक्ष है उसके रविवार को प्रतिवर्ष यहाँ बड़ा मेला लगता है, और वैसे तो हर रविवार को यहाँ छोटा मोटा मेला लगता रहता है। जो मेन मेला भरता है यहाँ पे वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के रविवार को भरता है। दोस्तों, ये जो रेलिंग लगी रहती है, जो मेला लगता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में, उस टाइम पे ये यात्रियों को इधर से निकाला जाता है क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और मंदिर की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो मान्यताएं हैं, जात जड़ूले, जो नया विवाह होता है विवाहित जोड़े का, जात लगाई जाती है यहाँ पे, और जो मुंडन वगैरह होते हैं मुंडन की प्रक्रिया भी भैरूनाथ के मंदिर से ही होती है। दोस्तों, ये मंदिर है, मंदिर का मेन गेट ये इधर की तरफ है, और जो निकास द्वार है, निकास द्वार उस साइड में बना हुआ है। आपको उधर साइड में दिख रहा होगा जो शमशान घाट भी बना रखा है, और शमशान घाट का देवता भी जो यहाँ रिंगस का लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ के, जो भैरू बाबा है, और रिंगस कस्बा है वो भैरू बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। और उधर एक काली माता का मंदिर भी बना हुआ है थोड़ा साइड में, और मंदिर के पीछे की तरफ एक तालाब बना हुआ है। उस तालाब की मान्यता है कि उसमें स्नान करने से जो भूत प्रेत होते हैं, जो कहा जाता है कि मतलब ओपरी छाव होती है जिसको भूत प्रेत के तरीके से जाना जाता है, उसमें स्नान करने से वो सारी दुविधाएँ दूर हो जाती है। दोस्तों, जो भैरू जी का मंदिर है, और भैरू जी को शिव जी का पाँचवा अवतार बताया गया है, और कहा जाता है कि मतलब जो भगवान भैरूनाथ है, ठीक है, उनके यहाँ पे मंदिर में शराब का चढ़ावा चढ़ता है प्रसाद के रूप में, और कभी कभार जैसे लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पे बकरा भी चढ़ाया जाता है, और ये सब एक भैरूनाथ जी महाराज है उनको रिझाने के लिए ये सब किया जाता है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और इधर मंदिर के जो पीछे तालाब बना हुआ है उस तालाब के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं उधर की तरफ चल के। दोस्तों, ये मंदिर का निकास द्वार है, और मंदिर के बारे में ये मान्यता ये है कि जो भगवान भैरूनाथ जी का जो स्थान है ये लगभग 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और यहाँ के जो पुजारी है, पुजारी लगभग 500 साल से जो 12वीं 13वीं पीढ़ी से यहाँ कंटिन्यूसली अभी पूजा करते आ रहे हैं, और इससे मान्यता ये है कि लगभग ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और लोगों की जो मान्यताएं हैं, मान्यता के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी है, जैसे विवाहित का जोड़ा यहाँ पे जात लगती है, बच्चों के मुंडन वगैरह यहाँ होते हैं, और भी काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं जैसे तालाब के बारे में बताया, अभी चल के बात करते हैं उसके बारे में। ये दोस्तों जो मंदिर के पीछे तालाब है, और तालाब में इसमें ये मान्यता है कि यहाँ पे इसमें स्नान करने से जो शरीर का चरम रोग होता है वो दूर हो जाता है, और ऊपरी जो छांव जैसे भूत प्रेत से रिलेटेड कुछ समस्याएं होती है वो भी इसमें स्नान करने से दूर होती है। जो दूर दूर से जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस पानी में स्नान करके जाते हैं, और ये पानी यहाँ का जो है अपने साथ में लेके जाते हैं, जो घरों में कमरे वगैरह होते हैं या होल होते हैं वहाँ पर इसका छिड़काव किया जाता है पानी का, तो उससे जो बुरी जो समस्याएं हैं भूत प्रेत से रिलेटेड या और भी कुछ जैसे समस्या जो भी होती है मतलब वो इस पानी से दूर हो जाती है, ये लोगों की मान्यता है यहाँ की। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में और कोई जानकारी आपके पास है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी आसपास के जो एरिया है जहाँ पे कुछ हेरिटेज या पुरानी चीज़ें या मंदिर गढ़ वगैरह कुछ भी हो जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए हो
तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। Oh, 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 oh